अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हलवाई वाली मिक्स वेजिटेबल रेसिपी, और जो बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। और आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी कितनी सबसे अच्छी पहले बनी मैं है। आपको होल स्पाइसेस दिखा देती हूँ। ये दो तेजपात के मैंने पत्ते लिए हैं, तीन चार लौंग हैं, एक बड़ी इलायची है, दो हरी इलायची हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर दालचीनी लिया है, और ये देखिए एक स्टार एनीस का एक छोटा सा पीस मैंने लिया है। यहाँ पर दालचीनी है और हाफ स्पून मैंने जीरा लिया है। ये कसूरी मेथी है, इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है, सबसे लास्ट में जाएगी, और हाथों से इसको क्रश कर लीजिएगा। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये गाजर है, तीन गाजर मैंने कट की हैं, थोड़ी सी ली है मैंने मेथी। देखिए फ्रेश हमारी सब्जियां आ रही हैं तो हमें सभी चीज़ें डालनी चाहिए, और अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। हरा धनिया है और अदरक है जूलियन कट, और ये है गोभी, हरी प्याज, मटर और बीन्स, और यहाँ पर ली है मैंने, और ये 8-10 काजू मैंने पानी में भिगो के रख दिए हैं। ऑप्शनल हैं, बिल्कुल आप चाहते हैं डाल दीजिए, वीडियो में दिखाना होता है, मैं काजू ज़्यादा स्किप करती हूँ अपनी चीज़ों में। और ये मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे, और उसी के साथ में मैंने 2 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया है, और 2 ये प्याज हैं इनको भी फाइन चॉप किया एक है। आलू मैंने कट किया है। अब यहाँ पर सरसों का तेल मैंने पकाया है, और हम इसके अंदर सबसे पहले अपनी हार्ड वाली जो सब्जियाँ होती हैं वो डालेंगे, जैसे कि गाजर, देखिए फ्लेम को हमें अपनी हाई रखना है ताकि हमारी जो सब्जियां हैं उनके अंदर तेल ना पहुंचे ज़्यादा, और सारी सब्जी को हमें फ्राई करना है। इससे बहुत अच्छा हमारा जो टेस्ट है अपनी सब्जी के अंदर आ जाता है। आप शैलो फ्राई करना चाहते हैं आप शैलो फ्राई कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे जाएगा हमारा आलू, इसको फ्राई कर लेंगे 1-2 मिनट, इसके अंदर कलर भी अच्छा आ जाएगा और टेस्ट भी हमारे आलू के अंदर आ जाएगा। देखिए सब्जियां आप अपनी पसंद से, आपको जो पसंद है वो ले लीजिए, कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इसके अंदर इश्यू नहीं है, अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ले लीजिएगा। और ये इस तरह से अगर हम सब्जी बनाते हैं तो बहुत बहुत मज़े की बनती है। देखिए आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर डालेंगे बीन्स, गोभी सबसे लास्ट में जाएगी क्योंकि गोभी डालते ही थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, और हमें अपनी सब्जियों को एकदम सोगी नहीं बनाना है, थोड़ी खिली खिली रखेंगे। अब हम इसके अंदर मटर ऐड करेंगे। देखिए मैंने फ्रेश मटर ली है, अगर फ्रोजन है तो थोड़ी जल्दी हो जाती है, लेकिन जब फ्रेश सब्जियां आ रही हैं तो हमें फ्रोजन का यूज़ नहीं करना चाहिए, फ्रेश का एक अपना अलग टेस्ट और मज़ा होता है। हमें सारी सब्जियों को 2-2 3-3 मिनट के लिए फ्राई करना है बहुत अच्छे से। अब हम इसके ऊपर डालेंगे गोभी, देखिए गोभी के मैंने थोड़े से बड़े बड़े पीस किए हैं क्योंकि गोभी घुट जाती है। अब आप देख सकते हैं हमारी सब्जी के ऊपर कितना अच्छा कलर आया है फ्राई होने का, और सारी ही सब्जी हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको एक स्ट्रेनर पे निकालेंगे ताकि इसका जो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रिप ऑफ हो जाए, वरना बाद में हमारी सब्जी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल पकने के बाद आना शुरू हो जाता है, रखे रखे बहुत ज़्यादा ऑयल आता रहता है, तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। और हमने अपनी पूरी सब्जियां फ्राई करने में जो गैस की फ्लेम है बिल्कुल हाई रखी है, एक बार भी लो नहीं की थी, ये बहुत ज़रूरी है वरना हमारी जो सब्जियां सारी सोगी हो जाएंगी। देखिए एक स्ट्रेनर लीजिए और नीचे एक बर्तन रख दीजिए, और थोड़ा केयरफुली करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। इसी ऑयल का हम यूज़ करेंगे अपनी ग्रेवी बनाने में, मसाला इसका जो भूनेंगे। अभी 5-7 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो एकदम नीचे निकल जाएगा और डीप ऑफ हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं सारा ऑयल नीचे आ गया है, और इसको एक साइड रख देते हैं, और यही ऑयल हम लेंगे। दो तीन स्पून मैंने ऑयल लिया है, और क्योंकि हमारी सब्जी में बहुत ऑयल है, और मैं हींग दिखाना भूल गई थी। देखिए सबसे पहले हमें 1/4 स्पून इसके अंदर हींग डालना है, तेज पत्ते, और ये होल स्पाइसेस जो हमने आपको दिखाए थे इसको डाल दीजिए। देखिए हमारे मसाले क्रैकल होने शुरू हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ,
तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं, अब हम इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे मेथी। मेथी का इस तरह से फ्राई करने से मेथी का जो कड़वापन है वो बिल्कुल निकल जाता है। तो हम मेथी की सब्जी भी बनाते हैं तो इसी तरह से बनाते हैं। अब डाल देंगे इसके ऊपर, देखिए 2 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है, स्प्रिंग ऑनियन। देखिए प्याज भी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब नंबर आता है हमारे लहसुन अदरक पेस्ट का जो पेस्ट है वो डाल दीजिए, उसको बहुत अच्छे से हमें फ्राई करना है। लहसुन अदरक भी मिल चुका है और अब हम इसके ऊपर डालेंगे टमाटर। टमाटरों को भी हमें बहुत अच्छे से भूनना है। काजू डाल दीजिए, ये भी थोड़े फ्राई हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें अपनी सब्जियों के हिसाब से नमक ऐड करना है। मैंने 1/2 स्पून नमक डाला है, थोड़ा बाद में टेस्ट कर लेंगे क्योंकि टमाटर के साथ ही हमें नमक डालना चाहिए, उससे हमारे जो टमाटर हैं बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। 1-2 मिनट के लिए इसको ढक के पकाऊंगी और उसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। देखिए 2 मिनट हो चुकी हैं और हमारे टमाटर गल गए हैं और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने मसाले। और अब हम पहले अपनी फ्लेम को लो करेंगे क्योंकि ड्राई मसाले जा रहे हैं और अभी तक हमने अपनी फ्लेम को हाई रखा था पूरी कुकिंग में। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने अमचूर पाउडर लिया है, मैंगो पाउडर जिसको बोलते हैं, 1/4 स्पून है। 1/4 स्पून मैंने लिया है गर्म मसाला, 1/4 स्पून है चाट मसाला, 1/2 स्पून है धनिया पाउडर, 1/2 स्पून है लाल मिर्च पाउडर। रेगुलर लाल मिर्च है, आप कश्मीरी या देगी डालना चाहते हो डाल दीजिए। और ये 1/2 स्पून ही है हल्दी पाउडर। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और हमें इन मसालों को बहुत अच्छे से भूनना है। और ये कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए। देखिए मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, इसमें ऑयल देखिए सेपरेट कर दिया है। अब मैं इसके अंदर 1 से 2 स्पून पानी डालूंगी ताकि हम अपनी जो सब्जियां हैं वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर सकें। अब हम इन सब्जियों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक मिर्च वगैरह आप टेस्ट कर लीजिएगा। चलिए ढक देते हैं, फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए और सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इसको ढकूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को बंद कर देते हैं और अपनी सब्जियां खोल के देखते हैं। देखिए लिए हमारी ये सब्जियां बनी हैं। अब हम अपनी सब्जी को सर्व करके आपको दिखाते हैं कितनी खिली खिली और मज़ेदार हमारी सब्जी बनी है, आप देख सकते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा हमारी इस रेसिपी को। ये देखिए बहुत मज़े की लग रही है, देखने में ही आपको इसका लुक समझ आ रहा होगा कि कैसी हमारी सब्जी बनी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे गार्निश करने के लिए और जूलियन कट अदरक डाल दीजिए, ऑप्शनल है लेकिन अच्छा लगता है डेकोरेशन में। देखिए रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ बताइएगा। चलिए इजाज़त चाहते हैं, हमारी इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई है, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।